हाँ, पर आप जैसे बता भी रहे हैं कि पेन तो है बाजार में, थोड़ा समय और रुकना चाहिए, पर क्या मेजर कर सकते हैं कि कब तक ये पेन शायद खत्म हो जाएगा, कितने समय तक और बाजार में डाउनसाइड रह सकता है? क्या आपका कोई व्यू बन रहा है? क्योंकि एक व्यू हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट इस एक क्वार्टर के बाद अगस्त तक, क्रूड टॉप आउट हो जाए शायद अगस्त तक, इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाए अगस्त तक, क्या ये कोई एस्टिमेशन लगा सकते हैं? इज इट वैलिड? क्या लगाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट एस्टिमेशन लगाना, बट कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं, जो आपको जैसे अजय ने अभी वैल्यूएशंस की बात करी, मैंने आपको बताया कि कुछ जगह वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हुए हैं, तो वैल्यूएशन एक डेफिनेटली पैरामीटर है। दूसरा, मुझे लगता है अगर आपको अभी हमें कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिली है, वो होगा जैसे ही डिमांड धीरे धीरे स्लो डाउन होगी, कुछ जगह डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ब्लंट टूल है। अगर आप रेट एग्रेसिवली बढ़ाएंगे और साथ में, और ये क्या हो रहा है इस बार, आप देखेंगे खाली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे, लिक्विडिटी भी विड्रॉ हो रही है साथ में सिस्टम से। उसके अलावा आपका जो यूएस का जीडीपी है वो नेगेटिव प्रिंट था Q1 में, तो आपके पास एक तीन तीन प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है ग्रोथ में स्लो डाउन है, आपको आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं क्योंकि महंगाई बढ़ा हुआ है, और आपको साथ में लिक्विडिटी भी विड्रॉ करनी है, तो ये हमने नहीं देखा है पिछले 15-20 साल में तीनों चीजें एक साथ होते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गेस करना कि कब तक खत्म होगा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा करेक्शन टेक्निकल भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि FIIs अगर आप देखिए पिछले एक साल में कुछ $50 बिलियन की सेलिंग कर चुके हैं, तो परसेंटेज वाइज 4.5% उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी है, तो 23% से आज वो लगभग 18% पे है, वो कभी 16-17% के नीचे गए नहीं है इंडिया में इतने सालों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से फैग एंड पे हैं, बट क्या होता है जो लास्ट फेस होता है ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि आपका 8-9 महीने से रिटर्न नहीं बना है, और फिर इसके बाद जब फर्दर 10-15% 20% अगर करेक्शन आता है तो थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। लेकिन अगर आप इसको इसको बेयर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर कर सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी उतना ही है। तो अभी इस स्टेज पे अपसाइड और डाउनसाइड रिस्क काफी काफी बैलेंस्ड है। हम खाली ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ डाउनसाइड रिस्क है, तो थोड़ा सा स्टैगर करके चलिए और थोड़ा सा बैलेंस होइए। आप देखिए, आपको बॉन्ड यील्ड्स भी अगर आप देखेंगे 7.5-8% पे आपके पास फिक्स इनकम में इंडिया में यील्ड्स मिलती है, तो आप हिस्टोरिकली देखिए जब भी 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5-8% आया है कभी भी पिछले 20-25 सालों में, अगले 3 साल का फिक्स इनकम का रिटर्न भी 8-10% आता है। तो थोड़ा सा बैलेंस रहिए, आराम आराम से इसको एलोकेट करिए और इसको नेविगेट करिए। इंडिया का जहां तक 3-4 साल 5 साल का व्यू है, मुझे उसमें कोई चैलेंज नहीं दिखता।